हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो आप सभी लोग भगवान की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मेरा है विजय एकादशी के लिए। तो विजय एकादशी 16 को है या 17 को है, तो वही आज हम जानने वाले हैं। एकादशी का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, तो वही सब आज हम चर्चा करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। वह आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, जो साल में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस साल विजय एकादशी 2023 में कृष्ण पक्ष फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी किस दिन है और किस तारीख को है? फागुन मास में 2023 कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी 16 फरवरी को रखी जाएगी। भक्तों, एकादशी तिथि 16 फरवरी को प्रातः 4:02 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 18 फरवरी रात्रि 1:19 पर होगा। ऐसे में यह व्रत 16 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। भक्तों, विजय एकादशी का महत्व क्या है? वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जो विजय एकादशी का पालन करते हैं, उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, साथ ही वह हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। तो जो कोई भक्त विजय एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विजय एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और भक्तों, विजय एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, भगवान विष्णु की कथा सुनने से और उनके नाम का जाप करने से, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में सुख का बदलाव देखेंगे। अगर आप अपने जीवन में कोई भी व्रत नहीं रखना चाहते हैं और नहीं रख पाते हैं, तो आप एक बार एकादशी का व्रत अवश्य रखें। अगर आप व्रत रखते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और साथ ही आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।